आज के बाद पूरी नेशनल मीडिया पर हम कहते हैं, हम किसी के सामने कोई भी जवाब, आज के बाद कोई भी हम सफाई या आज के बाद कोई भी प्रदर्शन नहीं करेंगे अपनी शक्तियों का, आज हमें गुरुजी ने छूट दे रखी है। भैया जी पेन बदलो यार, चलता ही नहीं है आगे के लगे। कहे हमने कहे बेटा हमने कोनो बुराई कर दी का, ढंग को पेन था। आप लोग चुनाव कर लीजिए दो लोगों का, पत्रकारों में खुद चुनाव करिएगा, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी, नहीं तो ये हो जाएगा कि अपने सेट कर ले पैसा दे के। तुम उन्हें बहुत विचित्र हो, हम तुम्हारी कला जाना इतने ढंग से। आप लोग सुनाओ जब तक माइक, और हम करेंगे तो लोग कहेंगे कि गुरुजी ने जो है अपना पैसा दे करके सेट करके बुलाया है। पहले ये घोषणा करिए कि ये हमारी न्यूज दिखाएंगे, आज के बाद अब हमको अंधविश्वासी तो नहीं कहोगे। अगर हम रियल बोल बता देंगे तो अंधविश्वासी तो नहीं कहोगे, बोलो है ना भाई। अगर नहीं तो काय को बताएं, अपने बढ़िया गली में बैठो, सीताराम जपो, तुम जैसे सबको नंबर आओ, तुम आओ आए, तुम कौन स्पेशल बोलो। अगर तुम मानते हो तो तुमको जो है ये कहना पड़ेगा कि ये अंधविश्वास नहीं है, आंखों से हमने देखा है, दर्शक इसका निर्णय करे। हम ये भी नहीं कहते कि तुम प्रमाण पत्र दो, हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, ना तुम हमें प्रमाण पत्र दे सकते हो, क्योंकि हमें गुरुजी पहले ही दिए हैं। श्री बालाजी सरकार की जय, कुछ गुरुदेव भगवान की जय। भैया कहाँ के हो तुम? काशी बनारस से गुरुजी। या क्या नाम? विवेक सिंह। यहाँ तुमने किसी को बताया था क्या? नहीं गुरुजी। यहाँ क्या कर रहे? छत्तीसगढ़ है। आपका दर्शन करने आया गुरुजी, आपने बुलाया, आ गया। वाह वाह, हम बनारस भी गए थे जी। मैं आपकी कथा सातों दिन गया था गुरुजी, वहां सुना था। माइक से नहीं बोलना है। हाँ ये बहुत अच्छा बात है, अगर किसी को अपनी बात माइक से नहीं बोलनी है तो हमें प्रदर्शन नहीं करना है, आपकी समस्या का समाधान देना है, माइक बिल्कुल बंद करवा सकते हैं, क्योंकि हमें ना तो प्रदर्शन करना ना हमको प्रमाण पत्र। बोलो क्या बात, हम अपना भी कर ले। तुम पहले एक पर्चा लेकर के आए हो, माइक हमारी जेब में पर्चा है और पर्चे में प्रश्न लिख कर लाए हो, पहले वो निकालो। हाँ हम सनातनी हैं बागेश्वर बालाजी के, ये पर्चा उनको दिखाओ कैमरा में, हमें मत दिखाओ, तुम मत करना, टीवी वालों को दिखाओ, टीवी वालों। और इस पर्चे में 6 नंबर तक के प्रश्न लिख करके ये लाए हैं, और ये सनातन के ऊपर उंगली उठाने वालों के मुंह पर तमाचा है। क्या तुम लोगों ने लिया, कैमरे में लिया? न्यूज वालों पते हैं, घर चलो जा, नदी चले जाओ, उन लोगों के जा मारो इनके मुंह पे, जो कहते भगवान नहीं होते हो, दरबार नहीं होता, मारो इनके मुंह पे। और इस आदमी को ले जाओ एक कोने में, लगो इसमें मार, ये हमसे मिला तो नहीं है, इसने किसी को बताया तो नहीं है, बता। 6 नंबर तक प्रश्न है, पहले नंबर पर बालाजी की कृपा का प्रश्न लिखा होगा, पहले नंबर पर इसने जो प्रश्न लिखा होगा बालाजी की कृपा का लिखा होगा, फिर बहन के बारे में लिखा होगा, सब कैमरा वाले। अब आप जाइए जरा इन लोगों से पहले निपटिए, तुम्हारा पर्चा रखा है हमारे पास। हाँ। मैंने ये किसी को नहीं बताया था। विवेक सिंह, विवेक सिंह काशी बनारस जी। बिल्कुल जो भी दिक्कत है गुरुदेव भगवान वही बताए हैं, अभी नहीं उपाय तो गुरुजी के पास जाएंगे तब ना जी। बिल्कुल, हम तो गुरुदेव भगवान को बहुत दिनों से मानते हैं। आप इसके पहले कभी मिले हो हमसे? तो नहीं मिले, ये प्रचार तो तुमने नहीं बताया? नहीं गुरुजी। और ये किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं। झूठ या पाखंड में तो नहीं, नहीं पड़ रहा? झूठ मत बोलना, पाप लगेगा करोड़ों लोगों का। नहीं गुरुदेव भगवान। पक्का जी? और जो कहते थे भगवान नहीं होते दिव्य शक्तियां नहीं, ले टकला देख ले, हाँ देख ले टकला, बार उड़ जाएंगे तेरे माथे के। हम सनातनी हैं, हम बालक हैं, यही गुरुजी की। लेकिन आज के बाद पूरी नेशनल मीडिया पर हम कहते हैं, हम किसी के सामने कोई भी जवाब, आज के बाद कोई भी हम सफाई या आज के बाद कोई भी प्रदर्शन नहीं करेंगे अपनी शक्तियों का, आज हमें गुरुजी ने छूट दे रखी है, एक बार इनके सामने जरूर जाना चाहिए बेटा, ऐसा हमें गुरुजी ने कहा। आज के बाद कभी भी कोई भी चुनौती आएगी हम नहीं मानेंगे, अपने हाथी चले बाजार। हम तभी मानेंगे कल आ जाए कोई, किसी को अगर दिक्कत हो तो कल आ जाए, कल हम अपने गुरुजी से प्रार्थना कर लेंगे। और उनको बुला रहे हैं जिन्होंने हमको चुनौती दी थी, उनकी ठाट। बोल बेटिया,